गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपकी एक नए टॉपिक के बारे में। और नए टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्चुअली में होती क्या है। देखिए, मैं दोनों चीजों को एक साथ लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या देखा था, जैसे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो एन डी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो जो एनर्जी आपको देनी पड़ी उसे क्या कह रहे थे आप? आयनाइजेशन एनर्जी कह रहे थे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने कोई एग्जांपल लेते हैं सीएल, पहले तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गेन होगा, किसमें चेंज हो जाएगा? सीएल नेगेटिव। तो इसको क्या कहेंगे आप? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे इसमें तो जो साइन आता था हमेशा, जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव, यानी कि वो हमेशा देनी पड़ेगी। जब कभी एनर्जी हमें देनी पड़े तो उसे कहते हैं हम क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर एनर्जी निकले तो मतलब कि अगर एनर्जी हमें देनी पड़ रही है और वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? पॉजिटिव साइन से। इस तरह की एनर्जी को कहते हैं हम एंडोथर्मिक, यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी हमें क्या देनी पड़े, एनर्जी क्या हो? एब्जॉर्ब। तो उसे क्या कह देंगे आप? उसे कहेंगे आप एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सो का मतलब क्या होता है? एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना। एंडो मतलब क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करना। एक्सो मतलब क्या होता है? एनर्जी एक्सो। और थर्मिक का मतलब क्या होता है? एनर्जी। उसमें एनर्जी क्या होगी? रिलीज हो। जब उसमें एनर्जी रिलीज होगी तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, इसमें एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या होता है? इसमें एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब हो। तो इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है इसमें दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं है कि एनर्जी हमेशा रिलीज ही हो, या ये भी जरूरी नहीं है कि इसमें एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब ही हो। और होता क्या है प्रोसेस? इसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था? रिमूव हो रहा। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड और एब्जॉर्ब में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर क्या होगा? रिमूव होगा, तो उसमें से एनर्जी आपको इसमें तो देनी पड़ेगी। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद क्या क्या इसमें फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं वो हमें पढ़ने हैं। और इलेक्ट्रॉन ऐड करने, जो हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। देखो, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन, जब गेन किया जाता है जो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत ही काम आने वाली है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर ले कि यहाँ पर हम गैसेस आइटम लेते हैं। यहाँ पर हम क्लोरीन जो होगी, चलो क्लोरीन का तो आपको क्लियर होता है, क्लोरीन क्या होती है? क्लोरीन होती है गैस, तो क्लोरीन का तो क्लियर होता है। लेकिन सोडियम क्या होता है? सोडियम सॉलिड होता है, लेकिन आपको सोडियम भी सॉलिड स्टेट में ही लेना है, क्योंकि जो आयनाइजेशन एनर्जी है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एक आइसोलेटेड एटम की ही हम मेजर कर पाते हैं, जहां पर कोई भी दूसरे एटम के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन एक बात अगर आप ध्यान समझे तो देखो, सॉलिड है, सॉलिड में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास होते हैं। जब पास पास होंगे तो सीधी सी बात है कि उसमें से जो एनर्जी है भाई, अगर पास पास हुए तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, जो एटम्स हैं वो पास पास रहेंगे, उनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा हो। लेकिन अगर कोई गैस है तो गैस में आप जानते हैं जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो कहाँ होते हैं? दूर दूर होते हैं। जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहाँ हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। तो एक बात आप खुद सोचिए, उनमें इंटरेक्शन क्या होगा? कम होगा, अपने आप को आइसोलेटेड फॉर्म में रखेंगे। तो पता चल गया है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस एक कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? एंडोथर्मिक। इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। अब
अब इसके अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में, देखो आयनाइजेशन एनर्जी में तो क्लियर होता है कि एनर्जी तुम्हें देनी देनी भाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में कैसे डिसाइड होगा कि उसमें से एनर्जी निकलेगी या एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, किस तरह से कौन कौन से फैक्टर से उसे डिसाइड होता है, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आप कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे इसे? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, विच रिलीज्ड और गेन व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन is added in an isolated atom. अगर आप एक isolated atom के अंदर electron क्या करते हैं, add करते हैं, तो उस energy को क्या कहेंगे आप? Electron gain enthalpy कहेंगे, जो energy या तो release होगी या energy gain होगी, तो उसे क्या कहते हैं? Electron gain enthalpy, absorbing. जो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी उसमें से रिलीज होगी, उसे क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखें कि अगर एनर्जी रिलीज होगी तभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या माना जाएगा? मेजर माना जाएगा. अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो हम उस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कम मान करके चलते हैं. जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, तो हम उससे नहीं लेंगे. जैसे कि अब नोबल गैस, तो अभी मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ. नोबल गैस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं हो पाता, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है. जब नोबल गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं हो पाएगा तो सीधे सा फंडा क्या आएगा वहां पे? वहां पे ये आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड नहीं हो पाएगा तो उसे आपको जबरदस्ती ऐड करवाना पड़ेगा. तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ऐड करवाना, तो वहां पे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? आपको देनी पड़ेगी और वो पॉजिटिव रहेगी. तो इस वाले केस में आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव कब हो सकती है? वो पॉजिटिव तभी हो सकती है जब आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना पड़े. तो उसे आप ज्यादा नहीं मान के चलेंगे, आप उसे क्या मान के चलेंगे कि उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? कम. क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादातर केस में क्या होती है? एनर्जी रिलीज ही होती है, और जो जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, उसमें से उतनी ही ज्यादा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी. तो हम उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा मानकर चलते हैं जो नेगेटिव में होती है. पॉजिटिव वाली को हम कम मानकर चलते हैं. ये बात आप नोट कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछ जाए भी हीलियम और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है. तो हीलियम की नहीं होगी, क्लोरीन की ज्यादा होगी, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या करता है? गेन करता है, और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है. लेकिन अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम इलेक्ट्रॉन को इतनी इजीली गेन नहीं करता, उसमें जबरदस्ती आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना पड़ेगा, उसमें से आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात. अब बात आती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस की. आप याद रखें, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस, और जिसमें से रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस. अब कुछ चीजें हमें समझनी है कि जैसे कुछ बात करते हैं दो तरह की, मतलब क्या इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या होता है, एक बात समझनी कि जैसे एक ऑक्सीजन का मैं एग्जांपल लेता हूं. ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, रसायन अनुकूल है, जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या रहेगी? नेगेटिव. लेकिन इसी ऑक्सीजन ने अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या आएगा? O2 नेगेटिव. इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होती है? पॉजिटिव. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या आ सकता है? पहले एक समझना एक पॉइंट में जो आपके सामने क्लियर करने वाला है. पहला पॉइंट तो ये है
इसकी जो इलेक्ट्रॉन की लेंथ है वो क्या मान ली आपने, सेकंड इलेक्ट्रॉन की लेंथ है। इसकी जो मानी वो क्या मानी आपने, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की लेंथ। सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ये क्या आएगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है वो समझिए कि सेकंड जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। यानी कि अगर कोई भी, देखो ये तो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है लेकिन मैं कोई भी एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर कोई भी आपको ऐसा एटम दे रखा है, आइसोलेटेड एटम दे रखा है, तो उसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि उस वाले केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। आप सर ऐसा क्यों होता है, तो एक चीज समझिए, पहले तो मैं बात करता हूं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव क्यों होती है, तो एक बार समझना। एक्चुअली होता क्या है, ये आपको एक एटम दे रखा है और इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर एटम से बाहर है, इलेक्ट्रॉन अगर एटम से बाहर है, तो वहां पर एक चीज आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि उसकी एनर्जी जीरो होगी। अगर इलेक्ट्रॉन एटम से कहां है, बाहर है, तो उसकी एनर्जी क्या है, जीरो। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करता है, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन को बाहर से एड करते जा रहे हो, न्यूक्लियस के पास आता है, तो पहले उसकी एनर्जी क्या है, जीरो है, और उसे एक अट्रैक्टिव फोर्स अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और वो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो पहले उसकी नेगेटिव में है, सॉरी पहले उसकी एनर्जी जीरो है, तो किस में चली जाएगी, वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जितना किसी भी एटम का साइज क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। किसी भी एटम का साइज जो है वो अगर स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन उतना ही उसके न्यूक्लियस के पास ज्यादा जाएगा। एक बात समझने की कोशिश करना, जैसे एक एटम आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रखा है, अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, इसे न्यूक्लियस अपने कंट्रोल में ज्यादा रखेगा। तो जितना जैसे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करना चाहते हैं तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में क्या होगा, ऐड होगा, और उसमें से ज्यादा एनर्जी क्या करोगी, रिलीज होगी, क्योंकि उसे न्यूक्लियस अपने अट्रैक्टिव फोर्स में अपने इन्फ्लुएंस में ज्यादा रखेगा। और पहले उसकी एनर्जी जीरो थी तो वो एनर्जी रिलीज करता रहा, तो उसकी जो एनर्जी है एक तरह से आप मान चले जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं वो न्यूक्लियस के जो फोर्स है उसकी हेल्प से क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा न्यूक्लियस के साथ, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से तो वो इतने इन्फ्लुएंस में नहीं रहेगा न्यूक्लियस के, जब इतना इन्फ्लुएंस में नहीं रहेगा न्यूक्लियस के तो उसका नुकसान क्या हो जाएगा, उसका नुकसान ये हो जाएगा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में इतना नहीं तो वो कम एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि वो दूर रहेगा न्यूक्लियस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा पास है उतना ही वो उसके ज्यादा इन्फ्लुएंस में रहेगा, उतनी ही अमाउंट में ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज क्यों होती है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगता है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है। अब बात करते हैं हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वो पॉजिटिव क्या होती है, एनर्जी तो उसने रिलीज कर दी, नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, एनर्जी क्या हो रही है, इसमें रिलीज हो रही है। लेकिन अब बात आती है कि जो एनर्जी है इसमें एब्जॉर्ब क्यों होती है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों हो रही है वो हमें बता रही कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसका रीजन क्या एक्चुअली है, तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वो हर एक एटम की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, मतलब किसी भी एटम के ऊपर कोई भी एटम है अगर वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसमें कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है, जो आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो रिपल्शन करेंगे तो क्या वो इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली इस ओ नेगेटिव आयन के साथ, जो मैंने ये एग्जांपल लिया उसके अंदर क्या प्रॉपरली ऐड हो पाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है व्हाई द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एनी एटम इज पॉजिटिव। ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें, व्हाई द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एनी एटम इज पॉजिटिव। तो रीजन क्या आएगा इसका, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन, या आप ये कह सकते हो इसका आंसर ज्यादा अगर बेटर से देना चाहते हो तो आप कह सकते हो
ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज आयन एंड द इलेक्ट्रॉन. एक्स्ट्रा या सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रॉपरली एडेड. सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रॉपरली एडेड इन टू द नेगेटिवली चार्ज आयन. सो एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. तो जो आपको सम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को एड करवाने के लिए, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी. क्यों? रीजन क्या है? द रिपल्शन बिटवीन, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज आयन एंड द इलेक्ट्रॉन या सेकेंड इलेक्ट्रॉन. तो इस वजह से जो एनर्जी वो कैसी रहती है? हमेशा सेकेंड इलेक्ट्रॉन के अंदर भी पॉजिटिव होती है. ठीक है, अब बात आती है फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के ऊपर क्या डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर क्या डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि फैक्टर्स की, तो सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो आता है न्यूक्लियर चार्ज. तो न्यूक्लियर चार्ज के बारे में तो आपको बता भी चुका हूं, जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतनी अमाउंट में एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी. जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? न्यूक्लियर चार्ज. अब मैं एक चीज आपको बताने भूल गया था, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस होता है. देखो वैसे तो दोनों टर्म एक ही उसके लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एफिनिटी, लेकिन 12th लेवल तक कुछ ज्यादा डिफरेंस इसमें माना नहीं जाता. लेकिन अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो डिफरेंस की जो बात है, अगर यहाँ पे बात आ जाती है भाई डिफरेंस अगर बताना है तो ये हायर क्लास में पूछ जाता, बाकी 12th लेवल तक या 11th लेवल तक ऐसी चीजें नहीं पूछ जाती. लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 आर. जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको दे रखी है वो क्या होती है, माइनस ई ए माइनस 5/2 RT. यानी कि इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में डिफरेंस ही होता है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी माइनस 5/2 R. R का मतलब क्या होता है, गैसेस कॉन्स्टेंट. इसके बारे में भी आप जान जाएंगे थोड़ी दिनों में, एक चैप्टर होता है स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां पे आएगा. T का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर. जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो साइन है, जैसे कि किसी भी आपने केस लिया हो, अगर हम मान के चले अगर कहीं पर एनर्जी क्या हो, रिलीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगी वहां पे, नेगेटिव. लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहेगी वहां पे, पॉजिटिव. यानी कि आप ये कह सकते हो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका जो साइन है वो अपोजिट होता है किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव रही तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी. अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव रही तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी. और ये इन दोनों में एक रिलेशन होता है. ठीक है, लेकिन 11th लेवल तक, अगर इस लेवल की हम बात कर रहे हैं, नीट लेवल तक या मेंस लेवल तक, तो ये चीज ज्यादा मेंशन मतलब ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं रखती है. तो यहाँ पर हम ज्यादातर मान के चलते हैं दोनों साइड नहीं जैसे मान के चलते हैं, तो ज्यादा डिफरेंस हम मान करके नहीं चलते. लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस मतलब एक्चुअल में जो इन दोनों में डिफरेंस होता है वो यही जो मैंने आपको बता दिया. ठीक है जी, तो ये पॉइंट आप समझ में आ गया होगा, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के. पर क्या डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, माइनस ई ए माइनस क्या हो जाएगा, 5/2 R. तो ये पॉइंट आप समझ में आ गया होगा.
दूसरा है एटॉमिक रेडियस। अगर मैंने अभी आपको बताया था जिसका साइज जितना स्मॉल रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास का होगा, ज्यादा ऐड होगा, जितना न्यूक्लियस के पास रहेगा उतना ही वो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा काम करेगा और उतना ज्यादा ही वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल महसूस करेगा। और आप जानते हैं जब कोई चीज स्टेबल होती है तो उसकी एनर्जी क्या होती, कम होती। तो जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर रहेगा उतना ही वो एटम भी क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने। लेकिन जितना ये इसके पास रहेगा उतना ही इसका अट्रैक्टिव फोर्स में ज्यादा रहेगा और हमें कम ही एनर्जी में क्या हो जाएगा, मतलब कि ये ज्यादा एनर्जी में रिलीज होगा, ये कम एनर्जी में रिलीज होगा। तो इसमें एक चीज ये है कि ये ज्यादा स्टेबल है जितना न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। तो अगर हम ऐसे इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहते हैं इस वाले एटम के पास, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होगा जाकर के, वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगा तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। इस वाले केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कहाँ होगा, ज्यादा दूर पे ऐड होगा, तो इसकी वजह से इसमें अट्रैक्टिव फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा और एनर्जी क्या होगी, कम रिलीज होगी। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एटॉमिक रेडियस। थर्ड वन की अगर हम बात करते हैं इसमें, हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर किसी का हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है तो यहां पर एक चीज आपको ज्यादा समझनी है कि आप जानते हैं हाफ फील्ड, मैं कल भी बता चुका हूं आपको आयनाइजेशन एनर्जी वाले में, तो आप एक बार उसे पढ़ लेना। जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जैसे नोबल गैस, तो क्या होगा, 1s2 होगा, या आप ये कह सकते हो हीलियम, कम से कम सेल्स के अकॉर्डिंग तो आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने, पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो क्या इसके अंदर इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, जब वो पहले ही फुल फील्ड है या उसका डुप्लेट या ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट है, तो क्या वो अपनी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। तो आपको जबरदस्ती इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करवाना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा, और जब जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना पड़ेगा तो जिनका हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है तो ज्यादा चांस ये होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो पॉजिटिव रहेगी, यानी कि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी उसे देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए। जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो पॉजिटिव होती है, क्यों पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नाइट्रोजन की, क्योंकि अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3 तो आ गया ना हाफ फील्ड, 6 इलेक्ट्रॉन आते पी सेल के अंदर, लेकिन कितने आ रहे, 3 3, मतलब क्या होगा हाफ, और हाफ फील्ड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन मैं कुछ और भी चीज आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे होते हैं जिनके हाफ फील्ड होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, उनकी नेगेटिव होती है, उसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा जब हम वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। दूसरा क्या दे रखा है इसमें, और एग्जांपल ले लो नियॉन का, ले 1s2 2s2 2p6, इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये कैसा दे रखा है, आपको फुल फील्ड दे रखा है, तो इसमें इजीली जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड नहीं हो पाएगा, तो ऐड नहीं हो पाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव क्यों होती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, एक चीज और भी मैं बता देता हूँ इसके बारे में, थोड़ा और अंदर तक जाते हैं क्वेश्चन, इसे दे रखा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या दे रखा है इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, नियॉन में पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, दूसरे में कितने आते हैं, 8। अगर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेक्स्ट सेल के अंदर ऐड होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो यहाँ पर ही रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, यानी शील्डिंग इफेक्ट काम करेगा, यानी जो इसका इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा, ये इलेक्ट्रॉन आपको अगर दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, और वो इतने न्यूक्लियस के पास ऐड नहीं हो पाएगा, यानी शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली इसके साथ इतना इजीली ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे,
और वो न्यूक्लियस से पास पास नहीं जा पाएगा, जब पास नहीं जा पाएगा तो इतनी एनर्जी भी रिलीज नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे दो फैक्टर काम करेंगे, एक तो क्या है न्यूक्लियर चार्ज, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा नहीं रह पाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर एड होंगे न्यूक्लियस के। दूसरा क्या बता सकते हैं आप, इसमें ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, पहले से ज्यादा स्टेबल। तीसरा क्या बताते हैं, द CO सील्डिंग इफेक्ट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम, जो एटम के ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्शन होता है किसके साथ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली ऐड नहीं हो पाएगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन तक वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये आप याद रखें, पॉजिटिव कब होती है, जब हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है, फुल फिल्ड होता है, ज्यादातर केस में क्या ऐसी होती है, पॉजिटिव होती है। न्यूक्लियर चार्ज की इलेक्ट्रॉन गेन तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एटम रेडिया की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक चीज और आप याद रखें इसमें, जो कल भी मैं आपको बताऊंगा, कि ज्यादा स्मॉल साइज में नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कोई बहुत ज्यादा स्मॉल साइज है तो उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत ज्यादा छोटा साइज होने की वजह से क्या होता है कि इसके जो पहले इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके जो पहले इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि इसमें बहुत सारे पहले स्मॉल साइज है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि अगर कोई छोटा घर है, और मैं एग्जांपल के उसमें बताऊँगा, अगर कोई छोटा घर आपको दे रखा, मतलब छोटा घर है किसी का और उसमें 10-12 जने रहने लगे, तो मतलब कैसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा क्या करेंगे वो, उन्हें इतना खुलापन नहीं मिल पाएगा। तो अगर कोई और मेहमान आ जाता है उनके पास तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगेंगी, अगर कोई स्मॉल मतलब क्या किसी घर है। लेकिन अगर किसी केस में क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ होता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज हो जाता है एटम का, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप इजीली ऐड कर, मतलब कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करवाना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करने लगता है, रिपल्शन करने लगता है, और उसकी वजह से वो प्रॉपरली ऐड नहीं हो पाता। उसको मैं कल बताऊंगा आपको, फ्लोरीन क्लोरीन का ऐसा केस आएगा। बाकी आप इसे अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें, और जो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उन क्वेश्चन को भी क्या कर लें, नोट डाउन कर लें, उनके रीजन जरूर लिख लें, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं एनसीईआरटी का, क्वेश्चन देखोगे तो उसमें क्वेश्चन दे भी रखते हैं। बाकी मैं कल आपको क्लियर बाकी क्वेश्चन कर दूँगा।